अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल पाकीज़ा किचन। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार चिकन लेग पीस, वो भी रोस्ट करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली मेरी रेसिपी आपको फ़ौरन मिल सके, और वीडियो को पूरा देखिए ताकि रेसिपी समझ आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैंने 6 लेग पीस लिया है चिकन की, और इसकी जो स्किन होती है बारीक बारीक निकाल के इसे अच्छी तरह से वॉश करके हमने रख दिया है, और इसे इस तरह से हम कट कर लेंगे। गहरे गहरे कट लगाने हैं ताकि मसाले इसमें अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। इस तरह से हमने सारे कट लगाकर चिकन के लेग पीस पे हमने रख लिया है। अब यहाँ पर हमने एक बाउल लेना है, एक बाउल लेके उसमें हम सारे लेग पीस को डाल देंगे। अब इसमें हम ये 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। ये घर का पिसा हुआ है, और कभी भी इस्तेमाल कीजिए तो फ्रेश अदरक लहसुन का इस्तेमाल कीजिए। और नमक 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे, और नींबू का रस, एक पूरा नींबू का रस इसमें चला जाएगा। इस तरह से निकाल लेंगे और बीज को फेंक देंगे। अब इसमें हम ये सेजवान चटनी हम डाल देंगे, 3 बड़े चम्मच। सेजवान चटनी में सारे फ्लेवर होते हैं, और ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, बहुत ही इजी है। प्लीज़ आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, और इसे अच्छी तरह से हम मसल मसल के चिकन लेग पीस को अच्छी तरह से मसल लेंगे ताकि सारे नींबू और सेजवान चटनी का सारा फ्लेवर लेग पीस में आ जाए। और इसे हम रख देंगे कवर करके आधे घंटे के लिए ताकि ये सेट हो जाए। अब यहाँ पे हमने कोयला रख दिया है गर्म होने के लिए, और ये आधा घंटा कंप्लीट हो चुका था। तो इसमें अब हम बाकी के मसाले डालेंगे। अब बस 2 चम्मच हम कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर का डालेंगे, जो पानी इसमें चिकन का निकला है वो इसमें ड्राई हो जाता है, और हमारी चिकन बहुत ही अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएगी। अगर आप इसे फ्राई करना चाहो तो इसमें 1 बड़ा चम्मच मैदे का डालिए, और इसे आप फ्राई कर सकते हो। लेकिन हम यहाँ पर टेस्टी और हेल्दी चिकन लेग पीस तैयार करेंगे, तो इसे हम रोस्ट करेंगे। और इस तरह अच्छी तरह से हमने मसल लिया। अब इसमें हम ये आधा 50 ग्राम, आधा कप से थोड़ा कम हम इसमें जैतून का तेल डाल देंगे, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो यहाँ पर कोयला भी हमारा लाल हो चुका है, इसे हम निकाल लेंगे। अब इसके बीच में हम रख देंगे, और कोयले पर थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब हम इसमें तेल को डाल देंगे, और जैसे ही धुआं उठने लगे हम इसे कवर कर देंगे ताकि सारा इसका फ्लेवर कोयले का हमारे चिकन पर आ जाए। और जब तक नहीं हटाएंगे जब तक इसका धुआं इसमें रहे। अब यहाँ मैंने कटोरी निकाल लिया है कोयले वाली, और इसे कवर कर देंगे, और आधा घंटे के लिए हम इसे रख देंगे। तो ये आधा घंटे हमारे कंप्लीट हो गए, ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने पैन को गरम कर लिया, ये ग्रिल पैन है मेरे पास, और इसे अच्छी तरह से हम गरम कर लेंगे। अगर आपके पास ग्रिल पैन ना हो तो आप नॉर्मली जो नॉनस्टिक का पैन होता है उसमें भी रोस्ट कर सकते हैं। और इस तरह हम लेग पीस को रख लेंगे, और मीडियम से हाई फ्लेम पर इसे कुक करना है, और ऊपर से मसाले लगा लेंगे। बहुत ही ईजी और बहुत ही टेस्टी ये बनती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह इसका टेस्ट आता है। और इसे कवर करके हम कुक करेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, और जो छीटे ऊपर उठते हैं वो ना आए। ये 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसे हम टर्न कर लेंगे। इसका कुकिंग टाइम 15 मिनट होता है, तो 5-5 मिनट पे हम इसे टर्न करेंगे।
ताकि यह हर तरफ से अच्छी तरह से कुक हो जाए। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है, इतने जबरदस्त बनते हैं। इसे बिल्कुल अवन की जरूरत नहीं, इसे फ्राई करने की जरूरत नहीं। बहुत ही मज़ेदार और जूसी सा ये हमारा चिकन लेग पीस तैयार होगा इंशाल्लाह। और इस पर हम जो मसाले हैं वो थोड़ा थोड़ा करके हम लगाते रहेंगे और फिर से हम कवर कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। और इसे हम आप फिर पलट लेंगे और इसे अच्छी तरह से हर तरफ से पलट कर हम इसे सेक लेंगे। अगर आप चाहो तो थोड़ा सा इसमें कुकिंग ऑयल डाल सकते हो। मैं इसमें एक चम्मच डाल दूंगी और इस एक चम्मच में हमारे 6 लेग पीस पूरे तैयार हो जाएंगे और फिर इसे हम कवर कर देंगे। और अब इसे ये बिल्कुल तैयार है, बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं, तो इसे हर तरफ से हम इसे इस तरह से पलट कर हम सेक लेंगे, थोड़ा सा इसमें कलर आ जाए। तो ये देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरह से रोस्ट हो चुकी है। 15 मिनट अच्छे से हमने इसे रोस्ट करके कंप्लीट किया और ये बहुत ही सॉफ्ट और जूसी है। देखिए एकदम अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है, तो अब इसे हम निकाल लेंगे। ये आप लोग ज़रूर बनाइए, बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। आपके मेहमान आए आप इसे फटाफट से बनाकर एंजॉय कर सकते हो। देखिए कितने सॉफ्ट है। अब इसी तरह बाकी जो हमारे लेग पीस थे उसे भी हम इस पर रख लेंगे और इसे भी हम ऊपर जो मसाले बचे हुए हैं इसके ऊपर हम डाल देंगे। इस तरह लगा लेंगे और फिर इसे कवर कर देंगे और इसे भी 15 मिनट के लिए हम अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। और बीच में इस तरह से 5-5 मिनट पे हम पलटते रहेंगे। देखिए कितना खूबसूरत कलर आता है। तो इस तरह आप लोग भी बनाइए, बहुत इजी रेसिपी है, बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी है, यकीन मानिए। आप लोग इसे एक बार इस तरह से ज़रूर बनाइए, बहुत ही कम मसालों के साथ, और इतनी टेस्टी ये रेसिपी है कि बता नहीं सकती। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अब यहाँ पर मैंने फ्राई कर लिया है, बिल्कुल अच्छी तरह से ये रोस्ट हो चुके हैं। मैंने यहाँ चूल्हा बंद कर दी हूँ और सारे पीसेस को हम इस पर रख देंगे। ये मेरे पास चिली जिंजर सॉस है, ये थोड़ा सा स्वीट होता है। अगर आपके पास ना हो तो टमाटर केचप डाल सकते हो थोड़ा सा, या जो स्वीट चिली सॉस होता है वो डाल दीजिए, तो इससे एक स्पाइसी और स्वीट सा एक टेस्ट आता है, बहुत ही मज़े का लगता है। और इस तरह हम इसके ऊपर डाल देंगे। बारबेक्यू सॉस होता है वो डाल सकते हो और इसे ये हम इस तरह से डालकर मिला लेंगे और इसे हल्का सा टोस्ट कर लेंगे इस तरह से। ये सारे सॉसेस इस पे हमारे लेग पीस पे लग जाएंगे। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से शाइन आ चुका है। तो लीजिए गरम गरम से इसे हम इंजॉय करेंगे, बहुत ही मज़े के हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ इसे शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।